अगर हमको अटेंडेंस सीट क्रिएट करना है गाइस, तो अटेंडेंस सीट क्रिएट करने के लिए दो मुख्य चीजों की जरूरत होती है। एक होता है डेट और दूसरा दिन। तो सपोज गाइस, ये जो रो है इसमें हम डेट इंसर्ट करेंगे और इसके नीचे एक और हम रो लेते हैं जो उस पार्टिकुलर डेट का कौन सा दिन है उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लीजिए एक और रो। अब हम यहाँ पे एक कोई भी रैंडम डेट ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 1/1/2019 एक डेट इंसर्ट कर दी। अब हम क्या करते हैं गाइस, ये यहाँ पे देखिए पूरा डेट आ रहा है। हम चाहते हैं कि केवल यहाँ पे डेट लिख के आए, तो इसका जो फॉर्मेट है इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे नंबर फॉर्मेट का ये जो ब्लॉक है इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप ये कस्टम ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे जो DDMMY है इसको आप चेंज करके केवल DD कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सैंपल में अब 01 लिख के दिखा रहा है, इसको ओके कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे केवल डेट आ जाएगा और इस डेट को ऐसे पकड़ के आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए और कॉलम की विड्थ को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमको गाइज इस डेट को कौन सा दिन है ये निकालना है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट फॉर्मूला टाइप करिए दिन निकालने के लिए। तो आप लिखिए इक्वल टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये जो सेल की वैल्यू है इसके अंदर पास कर दीजिए, कॉमा लगा और फॉर्मेट टेक्स्ट में आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 बार D लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करके आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस डेट को 1/1/2019 को जो दिन था ये ट्यूजडे था आ गया है। अगर हम यहाँ पे 4 बार D लिखते गाइस, तो देखिए ये जो दिन है ये पूरा लिख के आएगा। फिर वापस आप इसको भी ऐसे ही ड्रैग कर लीजिए पूरे मंथ के लिए। दिन इंसर्ट करने से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से डेट को कौन सा दिन है। जैसे हमको मान लीजिए संडे आइडेंटिफाई करना है हॉलीडे के लिए, तो उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है गाइस, सीट में किस डेट को एम्प्लॉय प्रेजेंट है और किस डेट को एब्सेंट है और कौन से दिन हॉलीडे है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली यहाँ पे एक एक एम्प्लॉय के लिए आप प्रेजेंट एब्सेंट टाइप करिए, अदरवाइज चाहे तो आप ड्रॉप डाउन मेनू भी बना सकते हैं जहाँ पे आप सिलेक्शन करके प्रेजेंट एब्सेंस आप ऐड कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए गाइस आपको पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेना है। सीट को सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना है डेटा मेनू। डेटा मेनू में हमको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से डेटा वैलिडेशन को यूज करना है। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर हमें लिस्ट सेलेक्ट करना है। सोर्स में आपको किसी सेल का एड्रेस नहीं देना है, सिंपली आपको यहाँ पे पी टाइप करना है, कॉमा लगा के ए टाइप करना है, फिर कॉमा लगा के एच टाइप करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब देखिए सीट को हमने जितना सेलेक्ट किया था उस सिलेक्शन में हम किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमको एक ड्रॉप डाउन एरो बन के आएगा। अगर हमको यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट फिल करना है किसी भी एम्प्लॉय का, तो सिंपली हम उस पर क्लिक करके ऐसे हम प्रेजेंट और एब्सेंट फिल कर सकते हैं, हमको मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल में प्रेजेंट और एब्सेंट सेट करने के बाद गाइस जो संडे है इस संडे को हमको हाईलाइट करना है एक अलग कलर से, उसके लिए आप मैनुअली भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए पहले आप सीट को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ से न्यू रूल पे हम क्लिक करेंगे। न्यू फॉर्मेटिंग रूल पे क्लिक करने के बाद हमको यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जो ये बॉक्स दिया गया है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए और जिस भी सेल की वैल्यू आपको इसमें देना है उसको आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सेल को सेलेक्ट करेंगे गाइस, तो देखिए आप यहाँ पे जो सेल का एड्रेस है इसमें सी के पहले भी डॉलर का साइन लगा है और टू के पहले भी डॉलर का साइन लगा है, मतलब ये जो सेल है ये एब्सोल्यूट है। इसमें हमको कॉलम के पहले जो डॉलर लगा है इसको हटा देना, हमको केवल रो को फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स नहीं करना है। तो यहाँ से मैं सी के पहले जो डॉलर है इसको हटा देता हूँ और इसके बाद यहाँ बाद में क्लिक करके हमको इक्वल का साइन लगाना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो मैच कराना है फॉर्मेटिंग के लिए, तो हमको कौन से सेल को मैच कराना है जहाँ पे संडे लिखा हो, तो आप ये संडे लिखेंगे और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और फिर आप चाहते हैं कि वो सेल किसी अलग कलर से हाईलाइट हो तो उसके लिए आप फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करिए। जिस भी कलर से आप सेल की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए और देन आप फॉन्ट ऑप्शन पे जाके फॉन्ट को मान लीजिए आप बोल्ड स्टाइल देना चाहते हैं तो बोल्ड कर लीजिए और जो कलर है इसको आप चाहें तो व्हाइट कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाएगा, फिर यहाँ
से भी हम इसे ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम संडे को हाईलाइट कर सकते हैं। और सपोज आप इस सीट को अगर नेक्स्ट मंथ के लिए भी अटेंडेंस सीट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको आप कॉपी करके जब किसी दूसरे सीट पर ले जाएंगे दूसरे महीने का अटेंडेंस सीट बनाने के लिए, तो उसमें जिस डेट को भी संडे पड़ेगा वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइज हमको 3 और फील्ड इंसर्ट करना है, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट कितने दिन है ये फाइंड आउट कर लेते हैं, नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने हैं इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इन दोनों सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ से मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देना। सेम आपको इसमें भी सिलेक्ट करना है, मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देना है और इसको भी ऐसे ही मर्ज कर देना है। हमको यहाँ पे टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल हॉलीडेज कितने हैं ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल। इसको आप रैप टेक्स कर दीजिए तो ये एडजस्ट हो जाएगा सेल के अंदर ही। अब हमको टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल हॉलीडेज काउंट करना है, तो उसके पहले आपको ये जो सीट है गाइस इसमें हमको ये प्रेजेंट एब्सेंट फिल करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ प्रेजेंट और एब्सेंट फिल कर लेते हैं। पूरी सीट में प्रेजेंट एब्सेंट फिल करने के बाद गाइस हम यहाँ पे पहले थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सीट को सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्मेटिंग के लिए और उसके बाद हम यहाँ से इसका अलाइनमेंट जो है ये सेंटर कर देते हैं, मिडिल कर देते हैं, प्लस इसमें हम यहाँ से जाके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट और टोटल हॉलीडेज काउंट करना है गाइस। तो उसके लिए आप यहाँ सेल पे क्लिक करिए और जो फंक्शन है वो टाइप करिए इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करिए। यहाँ देखिए ये काउंट इफ का जो सिंटैक्स है ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपसे रेंज पूछा जा रहा है किस रेंज में आपको काउंट करना है और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो हमको पहले एम्प्लॉय का, राहुल का ये पूरा रो सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है हमारा, हमको प्रेजेंट निकालना है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे पी, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो देखिए हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। इस फार्मूले को नीचे बाकी इम्प्लॉय के लिए कॉपी करना है तो यहाँ कॉर्नर पे जाइए, प्लस का साइन आएगा और इसको यहाँ से ड्रैग करके ऑटो फिल कर दीजिए, तो बाकी के इम्प्लॉय का जो प्रेजेंट है वो निकल आए। ऐसे ही हमको एब्सेंट निकालना है तो उसके लिए इक्वल सेम फंक्शन टाइप करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करिए, रेंज इसमें भी दे दीजिए वही ड्रैग करके माउस से। तो यहाँ से हमने इसको ड्रैग करके रेंज दे दिया ऐसे और कॉमा लगाया। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमको क्या कर फाइंड आउट करना है एब्सेंट, तो हमने ए लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट निकल आएगा। इसको भी हम ऐसे ड्रैग कर देंगे तो बाकी इम्प्लॉयज का भी एब्सेंट निकल आएगा। टोटल नंबर ऑफ हॉलीडेज के लिए भी सेम फंक्शन रिपीट करेंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेम रेंज आपको फर्स्ट एम्प्लॉय का दे देना है ड्रैग करके, इसके बाद कॉमा लगाइए और जो क्राइटेरिया है उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे एच, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट एम्प्लॉय का 0 हॉलीडे है, ऐसे ड्रैग करेंगे बाकी का तो यहाँ पे हॉलीडेज भी निकल आएगा। तो इस तरह से आप एक अटेंडेंस सीट बना सकते हैं गाइस, ये ऑटोमेटेड अटेंडेंस सीट है। अब आप मान लीजिए कोई भी सेल में अगर हम वैल्यू को चेंज करेंगे, प्रेजेंट एब्सेंट करेंगे, तो देखिए वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। और फिर भी आपको अटेंडेंस सीट से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आईटी कंप्यूटर गुरुजी चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।